नमस्कार, आप देख रहे हैं जो वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। खबरों की शुरुआत करते हैं जेवर में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इंडिया वॉइस से खास कहा कि देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से न सिर्फ जेवर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को विकास की गति मिलेगी। और सुनिए क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरे साथ मौजूद है। इतनी बड़ी सौगात जेवर देने जा रहे हैं अब जनता को। ये प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव का दिन है। सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को बधाई है। उत्तर प्रदेश के विकास की एक मजबूत नींव रखने का काम। केशव जी, एक सवाल का जवाब और देते जाइए। किसानों के बिल भी वापसी हुए हैं और यही जेवर है, पश्चिम का इलाका है। लगता है कि एक तरफ बड़ी सौगात और दूसरी तरफ बिल वापसी, डबल खुशी। निश्चित तौर से खुशियों से देश झूम रहा है, प्रदेश झूम रहा है। और जो लोग भी इस प्रकार से कहीं पर भी किसी विषय को लेकर के तमाम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि कोई रास्ता बनाएंगे, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को कोई मुद्दा देने वाले हैं? विपक्ष मुद्दा विहीन। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अभिमन्यु के साथ मैं भावना, इंडिया वॉइस, जेवर।